सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी ने भागलपुर की धरती से कहा था, 14 में कहा था कि नरेंद्र मोदी को यही गाड़ देंगे। जो जो काम सम्राट चौधरी जी हट कर नहीं कर पा रहे हैं वो सट कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, ये हनुमान का काम कर रहे हैं, हाँ, में जाके आग लगा के एकदम एकदम एकदम। सम्राट चौधरी जी कैसे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सके इसके लिए प्रयासरत है, तभी तो ऐसी टीम बनाई है। हनुमान लंका में आग लगाने के बाद राम के पास वापस आता है, ये कब आएंगे आपके पास? देखिए पहले लंका में आग तो लग जाए, 24 या 25 दोनों। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन ये लड्डू मन के अंदर ही रह जाएगा, सपने में ही खा ले और सपने में ही उसकी मिठास को महसूस कर लें। हमारे प्रवक्ताओं के पास जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं और उनके प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अच्छा, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें, कैसे झूठ परोसे, झूठ को डिफेंड करें? 24 और 25 को लेकर ये सारी तैयारी हो रही है, करते रहे आप लोग, किस जनता नकार देगी तोड़ तो आप लोग। हम जन परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है और हम तैयार हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए कल बीजेपी कार्यालय में, यानी कि यूं कह लें कि बीजेपी में कल लोकसभा और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है और यह सारा जो खेल रचा गया है सम्राट चौधरी के अंदर में हुआ है। हम आपको बता दें कि 38 ऐसे लोग हैं जिन्हें कई ऐसे पद हैं जिन्हें दिया गया है, जिला वाइज उन्हें पद दिया गया है, जिसमें से अगर बात करें तो 80% ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं और 20% ही ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग हैं। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों में भी अगर हम बात कर लें मुस्लिम कास्ट की, यादव की, तो वो लोग वहाँ पर नहीं हैं। ऐसा क्यों? सम्राट चौधरी के अंदर में ये सारा कुछ हुआ है। आज अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जदयू के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, ये जो लगातार आदमी हर कोई कहता है कि भाई हम सबको देखते हैं, हर किसी को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर जो जो आ रहा है वो क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास है कि आपको खास समाज के लोगों पर विश्वास ही नहीं है? आपने कई मौक़ों पर अपने कई कृत्यों से साबित किया है कि खास समाज को लेकर आपके मन के अंदर किस तरह का जहर है, आप उनके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार करते हैं, ना उन्हें संगठन में, ना पार्टी में, कहीं जगह नहीं देते। अभी बीजेपी का आंतरिक मामला है कि इनको मौका देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन दिख रहा है साफ तौर पर थके हारे लोगों का एक समूह है जो सोचता है आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन से मुकाबला कर लेंगे। सम्राट चौधरी जी जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं करते रहे, इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनके संगठन की मजबूती कहीं है ही नहीं और चुनाव में इन्हें महागठबंधन के सामने मुंह की खानी पड़ेगी। भाई ये लोग कह रहे हैं कि 24 और 25 को लेकर हम जितने भी युवा हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं, सम्राट चौधरी भी युवा हैं, युवा को ही वो ला रहे हैं और 24 और 25 दोनों में दिखा देंगे महागठबंधन को। तो क्या कहेंगे कि नहीं दिखाएंगे? दावे तो करेंगे ना सम्राट चौधरी जी, किस स्कूल से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, कहाँ उन्होंने राजनीति सीखी है, जग जाहिर है। और युवाओं का जो हमारी पार्टी से निकल के वहाँ गए, राष्ट्रीय जनता दल में मंत्री थे, भाई गए तो है महागठबंधन के कुनबे से ही ना, तो आपको भरोसा ही होगा कि अच्छा ही कुछ करेंगे। भरोसा है कि वो अपने पिताजी के सपने को पूरा करेंगे। सम्राट चौधरी जी के पिताजी, आप कहे तो मैं वीडियो खोज कर निकाल के सुना दूं आपको। सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी ने भागलपुर की धरती से कहा था, 14 में कहा था कि नरेंद्र मोदी को यही गाड़ देंगे। जो जो काम सम्राट चौधरी जी हट कर नहीं कर पा रहे हैं वो सट कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, ये हनुमान का काम कर रहे हैं, हाँ, में जाके आग लगा के एकदम एकदम एकदम। सम्राट चौधरी जी कैसे भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सके इसके लिए प्रयासरत है, तभी तो ऐसी टीम बनाई है। जितने पुराने और उनके हिसाब से मजबूत लोग थे उनको दरकिनार कर दिया। भाई हनुमान लंका में आग लगाने के बाद राम के पास वापस आता है, ये कब आएंगे आपके पास? देखिए पहले लंका में आग तो लग जाए, 24 या 25 दोनों। 24 के बाद तो स्थिति खराब रहेगी ना, 25 की तो क्या चर्चा ही नहीं करनी। अच्छा, 25 तो एक तरफा है। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी में होर लगी हुई है, मुख्यमंत्री का भाई बयानबाजी का भी होर लगा हुआ रहता है, कौन सबसे ज्यादा बयानबाजी दे रहा है, बयान कर रहा है, किस तरह के बयान दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री का भी होर लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है कौन होंगे इसमें? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन ये लड्डू मन के अंदर ही रह जाएगा, सपने में ही खा ले और सपने में ही उसकी मिठास को महसूस कर लें। अच्छा, एक बात और है, हालांकि जिस तरह से आप में हड़बड़ाहट लग रहा है अभिषेक जी, आखिर क्या वजह है? नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है, मैं तो इत्मीनान से आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के एक्सपेरिमेंट्स को देखकर हंसी आती है कि राजनीतिक रूप से कितने दरिद्र होते जा रहे हैं ये लोग।
एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से एनडीए की एक बैठक हो रही है जिसमें सभी प्रवक्ताओं की बैठक हो रही है, सभी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है, दिल्ली में बुलाया गया है, क्या कुछ उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? आप लोग इस तरह से कुछ नहीं कर रहे हैं? मुद्दा रहेगा तब ना, देश का चुनाव मोदी वर्सेस मुद्दा होने वाला है। हमारे प्रवक्ताओं के पास जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दे हैं और उनके प्रवक्ता डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें? कैसे झूठ परोसे, झूठ को डिफेंड करें, झूठी बातें करें, भ्रामक बातें करें, इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार। क्या लग रहा है कौन ट्रेनिंग देंगे? हो सकता है सुन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी उन लोगों के कोई ट्रेनिंग दे, सिखाया तो झूठ ही जाएगा ना, सिखाएं कोई भी, सिखाना तो झूठ है। 24 और 25 को लेकर ये सारी तैयारी हो रही है, करते रहे आप लोग, किस जनता नकार देगी? हम जन परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है और हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई जो सूत्रों से हमें जो खबरें सामने मिली हैं कि एनडीए के प्रवक्ताओं को बुलाया गया है, दो एक या दो हर पार्टी के प्रवक्ताओं को दिल्ली बुलाया गया है, वहाँ पर उन लोगों को एक विशेष तरह की प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद फिर क्या कुछ होता है। और आपने सुना ही अभिषेक कहना है कि भाई हम लोग हमेशा तैयार हैं, इन लोगों को तो झूठ परोसने के लिए सिखाया ही जाएगा कि भाई 24 और 25 को लेकर किस तरह से झूठ बोलना है। और आपने देखा है कि कल जो लोग नए नए जो लोग जुड़े बीजेपी से, उसमें से कौन से कास्ट के लोग सबसे अधिक हैं, कौन से कास्ट के लोग सबसे कम है, क्यों तवज्जो नहीं दिया गया है मुस्लिम लोगों को। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।